मेरी आज की रेसिपी है पनीर पराठा। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल के इसको अदरक लहसुन कूट कर मैंने डाल लिया है। अब मैं मैगी मसाला डाल देती हूँ। मैगी मसाला डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको एक कटोरी मैंने आटा लिया है। इसमें अजवाइन 1/2 चम्मच, घी 2 चम्मच, मोयन के लिए पानी डाल के अच्छे से मुलायम आटा लगा लेंगे। सॉफ्ट सा आटा मैंने लगा लिया है। अब तवे को गरम कर लेती हूँ। धीमी आंच में जब तक तवा हमारा गरम हो रहा है तब तक मैं आटे की लोई लेके अपना पनीर मसाला पराठे के लिए भर के तैयार कर लेती हूँ। जैसे कहते हैं ऐसे इसको दबाएंगे, दबा दबा के अच्छे से भर लेंगे। ऐसे इसको भरना है जिससे कि बराबर से पनीर पराठे में रहे। अब इसको हल्के हाथों से दबा के हल्का बेलन चलाना है जिससे कि हमारा पनीर बाहर ना निकले। तवा हमारा गरम हो रहा है और मैं अच्छे से पनीर पराठे के लिए पराठा बेल लेती हूँ। बेलने के बाद मैं इसको तवे में डाल देती हूँ। एक साइड सेकने के बाद इसको पलट लेंगे और अच्छे से मैंने पलट लिया है। अब इसमें ऑयल लगाएंगे, अच्छे से ऑयल लगा के अब दूसरी साइड पलट देती हूँ। साइड भी तेल लगाएंगे। दोनों साइड सुनहरा होने तक पराठे को सेंक लेती हूँ। हमारा पनीर पराठा बनकर तैयार हो गया। ऐसे ही सारे पनीर पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं।
हमारे पनीर पराठा बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पनीर पराठे बने हैं, एक भी पनीर बाहर नहीं निकला हुआ है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी पनीर पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। आपको मेरी पनीर पराठे की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।